हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट बट ओर्स गिव्स ओपी आइटम। तो जी हाँ गाइस, आज हमें ओर्स से ओपी आइटम मिलने वाले हैं और हमारे पीछे एक बड़े से केव है। चलिए चले जाके पहले लकड़ी तोड़ देते हैं। पहले कुछ लकड़ियाँ तोड़ेंगे। बड़ा घटिया स्पॉन दिया यार, मुझे ये लकड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी अजीब लगती है यार। मैं बस स्टार्टिंग के लिए कुछ पिकैक्स चाहिए और कुछ नहीं। पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं गाइस। फिर इसको क्राफ्टिंग टेबल यहाँ प्लेस करके कुछ स्टिक्स एंड एक मैंने अपने लिए कुछ टूल तो बना लिया और मुझे सामने एक और भी दिख रहा है। चलो पहले और माइन कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी है और अंदर मुझे आयरन भी दिख रहा है। पहले ये कोल माइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या सामान मिलता है हमको। कहाँ गया गाइस? तो लेट्स सी, पहले इसको हटा देते स्टोन को। ये टूट गया। हाँ, और ओ गाइस, मुझे गजब का सामान मिल रहा है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 की प्रोजेक्टाइल 4 का चेस्ट प्लेट। ओ माय गॉड, ओपी वो भी मिला है मुझे। चलो देखते हैं और तोड़ते हैं। ओ तो गाइस, अब मेरे खाने पीने की टेंशन तो खत्म हो गए। जो ऑक्सीडन गाइस, सोचिए जब कोल से इतना अच्छा सामान मिल रहा है तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, मतलब कि डायमंड में क्या सामान मिल सकता है। ओ गाइस, पहले मैं सबको टूल लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ी देर माइंड करने के बाद ही मुझे बहुत सारा ओपी सामान मिल चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पास फुल आयरन का आर्मर हो चुका है और जो सामान मुझे चाहिए था मैंने ऊपर ही फेंक दिया है। चलो अभी नीचे आते हैं, देखते हैं और देखते हैं आयरन माइन करने से हमें क्या मिल सकता है। और ये वन हिट गाइस, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मॉब है पर हम भी अल्ट्रा प्रो हैं गाइस। वो आयरन गाइस, मैंने एक नॉर्मल पिकैक्स तो बना लिए क्योंकि वो वाला तो सिर्फ कच्चे वाला है, इससे कुछ सामान तो मिलेगा नहीं। और मुझे जाऊँ कैसे, मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है। एक गोल्डन एप्पल खाता हूँ और खुद जाता हूँ नीचे। वो गाइस, मुझे थोड़ा सा डैमेज नहीं आया। और मेरे पास शार्पनेस 4 के 5 के सॉर्ड है, ये तो सब वन हिट बंदे हैं, मुझसे पंगा लोगे हैं। अभी लेट्स माइन वो गाइस। और ये कौन सा बंदा मुझे अटैक कर चुका है पर मैंने उसको मार दिया। एक काम करते ना, मैं इसको लेके ऊपर माइन कर लूँगा। ओ गाइस, मैं बचा था थोड़ी से थोड़ी, रिपर मेरे मुंह के सामने फट गया था। तो कोई नहीं, डरते हैं क्या। अरे थॉर्न्स लगाए बाबू गाइस, इनका भी दिखाना ही पड़ेगा पावर, मेरी एमिंग दिखानी ही पड़ेगी इनको। भाई किसी के भी पंगा लो, मुझसे पंगा नहीं गाइस। मुझे इधर और आयरन मिल चुका है, मैं इधर और माइन कर लेता हूँ। ओ नो, एक काम करता हूँ गाइस, मैं सायरा आयरन माइन करता हूँ। केव में कुछ आयरन कोर टूट गए थे और मुझे वहाँ से 6 डायमंड कोर मिल गए तो मैं उसको वो लेके आ गया। चलो पहले सारे आयरन ओर को माइन करते हैं, सबको एक साथ ऐसे रखते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है सामान। ओपी आइटम्स बस कुछ आइटम्स और हैं, इसी दोनों को ऊपर रख देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट माइनिंग गाइस। कुछ गोल्डन एप्पल्स एंड कुछ सामान गाइस। एक काम करता हूँ, मैं डेड डायमंड ओनली माइन करता हूँ। एक डायमंड और। ओ गाइस, कितने ओपी सामान मिल चुके हैं। मैं तो इन्वेंट्री फुल हो चुकी है शायद, मुझे डायमंड के पिक मिल गए, देखते हैं क्या है इसमें। ओ गाइस, मुझे बेस्ट स्वॉर्ड मिल चुकी है डायमंड की, ये सारे सामान फेंकना पड़ेगा मुझको। ट्राइडेंट रख लेते, ट्राइडेंट काम आएगा। अरे हटो रे बाबा, ट्राइडेंट तो ट्राइडेंट गाइस, ट्राइडेंट बहुत काम का है। इसको ब्लास्ट करने के लिए एक चीज़ है, ऐसे फोड़ देते हैं और भागते हैं। चलो गाइस, सामान फट चुका है, अभी लेट्स माइन दिस।
गाइस नेदरराइट स्क्रैप मिल चुका है और गाइस यहाँ टोटम भी रखा हुआ है। और गाइस बताना जरूर मैं टोटम का टेक्सचर पे कब कैसा लगा। मुझे सेंटा क्लॉज बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये थीम रख दिया। ओ डायमंड के बूट्स। गाइस मेरा इन्वेंट्री पूरा फुल हो चुका है। एंडर पर्ल भी बहुत सारे हैं पर अभी डायरेक्ट स्पीड माइनिंग करते हैं। गाइस मेरे को अपनी इन्वेंटरी पहले क्लियर करनी पड़ेगी अपनी। नेदरराइट स्क्रैप फेंक देते हैं। डायमंड का हेलमेट तो कुछ सामान घटिया सा। ओह नो डायमंड के लेगिंग्स कहाँ गई। गाइस मैं आपको फुल डायमंड आर्मर कवर होकर मिलता हूँ। मैंने और माइन कर रहा था और देखिए गाइस मुझे चार चार इलाइट्रा मिल चुका है और मुझे बस डायमंड की चेस्ट प्लेट नहीं मिली और जितने भी फालतू सामान थे मैंने उसको TNT से भर दिए हैं। गाइस वो देखिए कितने सारे सामान से अब भागो। अरे ये फालतू पोशन। ओ गाइस मेरा गेम लैग कर रहा है। गाइस मुझे ब्लेज रोड भी मिल चुका था। गाइस इसको पहले ब्लीच पाउडर कंप्लीट कर देते हैं और मेरे पास 26 ब्लीच पाउडर एंड 20 और मेरे पास कुछ एंडर पल्स भी हो चुके हैं। एंडर पल्स भी थे मेरे पास बहुत सारे। हाँ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो चलते हैं अभी देखते हैं कहाँ है किधर गया। उस तरफ है गाइस भाई टूटना मत। और ये मिल चुका है। एलाइट्रा पहनते हैं और उड़ चलते हैं। तो गाइस मैं आपको वहां पर पहुंच के मिलता हूं। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। One eternity later. गाइस मैं पहुंच गया स्ट्रॉन्गहोल्ड में। यहीं कहीं लोकेट कर रहा था वो। हाँ गाइस देखिए नीचे जा रहा है वो। पर यहाँ मुझे एक गोलम दिखा तो मुझे कुछ शैतानी करने का ये हुआ। कुछ कर भी नहीं पाएगा ये मेरा। गाइस देखो कितना ओवर पावर है हम। तो चलिए चलते अभी नीचे चलते हैं। माइन करते चलो करते चलो करते चलो करते तो यहाँ यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया था भाई। स्ट्रॉन्गहोल्ड यहाँ पर नीचे और यहाँ पर पानी है। नीचे पानी है पर मैं तभी साइड में देखता हूँ यहाँ पर पानी नहीं है। चलो माइंड करते हैं यहीं से नीचे माइंड कर लेते हैं। गाइस एक सेकंड में बैठना। चलिए गाइस मैं माइंड करता हूँ। पहुँच ही तो जाएंगे स्ट्रॉन्गहोल्ड शायद। गाइस ये डर्ट कैसे आ गए। मेरे पास शॉवल भी नहीं है। ओह नो गाइस अब स्ट्रॉन्गहोल्ड तक कैसे पहुँचे हम लोग। जो समझ नहीं आ रहा मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड तक कैसे पहुँचूँ। गाइस मैं जैसे तैसे पहुँच के सब मिलता हूँ। और यार क्रीपर फूटने फूटते हैं। लेट्स गो गाइस शायद मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंच चुका हूं मुझे उसे लगा पर नहीं। यहाँ पर इतना अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा। ओ गाइस मैं कहाँ पहुंच गया पता नहीं। वो डायमंड से। अरे गाइस ये बड़ा घटिया वर्ल्ड है। और ये जॉम्बी कल लगते तो मुझसे पंगा लोगे हैं भाई। ओपी टूल्स है। आई एम लॉर्ड केएल मुबड़ा नहीं हूँ वहाँ पर। गाइस अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाइस मुझे एंशिएंट सिटी मिल चुकी है पर हम जाएंगे नहीं। गाइस मैं आपको एंड जाके मिलता हूँ। One hour later.